हाय गाइस, मूवीज अपडेट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो आयरन मैन के जगह को रिप्लेस कर सकता है। मतलब आयरन मैन तो नहीं बन सकता, पर हाँ वो वाला मजा दे सकता है। और उस कैरेक्टर के कुछ लीक फोटोज फिलहाल इंटरनेट पर घूम रहा है, तो आई थिंक इस पर बात करना तो बनता ही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो कम्प्लीट देखना। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी में कुछ नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जैसे नमोर को ले सकते हो जो इस मूवी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ महीने पहले बताया था कि इस मूवी में एक छोटा सा कैमियो आयरन हर्ट का भी डाला गया है, जो इस मूवी के स्टोरी लाइन पे तो कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, पर आयरन हर्ट सीरीज के प्लॉट का एक मेजर हिंट दे सकता है। पर अब एक रूमर के अकॉर्डिंग इस मूवी में आयरन हर्ट का एक छोटा सा फाइट सीन को डाल दिया गया है जो इस मूवी के मिड में होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि आयरन हर्ट इस मूवी में अपना पूरा कॉस्ट्यूम पहनने वाली है, और इसका कुछ लीक कॉन्सेप्ट आर्ट आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो काफ़ी कूल है। और अगर सच में इस कॉन्सेप्ट आर्ट के जैसे ही आयरन हर्ट इस सीरीज में दिखती है तो भाई ये कुछ हद तक आयरन मैन के फैन को अपने तरफ ला सकती है, लेकिन RDJ के आयरन मैन का जगह कभी नहीं ले सकती। और अगर कॉमिक बुक देखा जाए तो कॉमिक में आयरन मैन का कैरेक्टर AI फॉर्म में आकर रेली विलियम्स मतलब आयरन हर्ट को गाइड करता है और उसे एक सुपर हीरो बनने में मदद करता है। तो आप ये कह सकते हो कि कॉमिक में आयरन हर्ट के सुपर हीरो बनने के पीछे आयरन मैन का ही हाथ है। और अगर ऐसा इसका सीरीज में भी दिखाया जाता है तो भाई सच कह रहा हूँ, ये आयरन मैन की जगह को कुछ हद तक रिप्लेस कर सकती है। पर उससे पहले हम लोग इस कैरेक्टर को ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी में देखने वाले हैं, जो एक अच्छा फैसला है क्रिएटर का। और इसमें रेली विलियम्स वकांडा टेक्नोलॉजी और स्टार्टेक दोनों को मिलाकर अपना आर्मर क्रिएट कर सकती है, जो वक्त के साथ धीरे धीरे अपडेट होता भी रहेगा। और इसके अलावा नमोर भी दिखेगा, और इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट आया था जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक हेलमेट के साथ है और एक बिना हेलमेट के है। और मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये एक लीक कॉन्सेप्ट आर्ट है जो प्रोबेबली मूवी में हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट आर्ट डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टाइम पर भी लीक हुआ था, जो बहुत ज़्यादा ही ऑथेंटिक था। तो हो सकता है कि ये भी रियल हो और इसमें वकांडा वर्सेज अटलांटिस का बैटल दिखाया जाएगा, और इसी बैटल को शॉर्ट आउट करने के लिए नमोर आएगा, क्योंकि अटलांटिस पे राज नमोर नहीं बल्कि ऑटुमा का कैरेक्टर कर रहा होगा, जो प्रोबेबली इस मूवी का मेन विलन होगा। बाय द वे, ऑटुमा के कैरेक्टर से रिलेटेड भी कुछ कंसेप्ट आर्ट लीक हुआ था जो ये रहा। और इन सब के बीच रेली विलियम्स भी अपना डेब्यू करेगी। और भाई मैं अपना बताऊँ तो मैं पर्सनली इन दोनों कैरेक्टर को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली आयरन हर्ट को जो मार्वल के यंग एवेंजर्स का एक हिस्सा होगी। तो भाई सच में ये मूवी काफ़ी अमेजिंग होगा। खैर अब मैं इस वीडियो के यहाँ पे एंड करता हूँ, लेकिन अब के बाद आपको ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी से रिलेटेड सभी न्यूज़ इस चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखने के लिए सच में एक्साइटेड हो तो मैं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जब भी सब्सक्राइब करने का मूड बने चाहे वो आज हो या फिर किसी दिन, तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल भी कर देना नोटिफिकेशन के लिए, नहीं तो ऐसे सब्सक्राइब करने का कोई फायदा भी नहीं। और कुछ पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सारा कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।